गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। द चैप्टर नेम इज अबाउट मी। बेटा जब मैंने लाइव क्लास ली थी 45 मिनट्स की, फर्स्ट क्लास ली थी जब, तब मैंने ये चैप्टर आपको समझाया था। बट हो सकता है कुछ बच्चे नए हों, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की हो। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी है वो आपको अपनी CW कॉपी में लिखना है। जो EVS की CW है ना आपकी, उसके अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स लिखना है। कितने दे रखे हैं यहाँ पर, ये 10 पॉइंट्स। ये 10 पॉइंट्स आपको अपनी EVS की CW कॉपी में लिखना है। माई नेम इज़, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राज शर्मा, फॉर एग्ज़ाम्पल की कोई लड़का है उसका नाम राज शर्मा है। सेकेंड, आई एम अ बॉय गर्ल। अगर आप बॉय हो तो आप क्या लिखोगे, आई एम अ बॉय। अगर आप गर्ल हो तो आप लिखोगे आई एम अ गर्ल। उसके बाद बच्चों, आई एम ईयर्स ओल्ड, मतलब कितने साल के हो वो आपको लिखना है। अगर आप 6 साल के हो तो आपको 6 लिखना है। माई मदर्स नेम इज, आपको अपनी मम्मा का नाम लिखना है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। माई फादर्स नेम इज, अपने पापा का नाम यहाँ पर लिखना है। द नेम ऑफ स्कूल, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, प्रोग्रेसिव अकेडमी। आई एम इन क्लास, आप कौन सी क्लास में हो बच्चों, फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट लिखोगे। सेक्शन ABC, जो सेक्शन में हो आप लिखोगे। माई टेलीफोन नंबर इज, अब बच्चों जो भी आपके पापा का या मम्मा का मोबाइल नंबर है आपको याद है तो आपको लिखना है, नहीं याद है तो उनसे पूछ कर लिखना है, बट आपको याद करना है। माई बर्थडे इज ऑन, जब भी आपका बर्थडे हो, जिस डेट को हो, वह डेट आपको लिखनी है। जैसे मैंने लिखा 1 जुलाई, अगर आपका बर्थडे 2 अक्टूबर, 3 सितंबर, जो भी हो आपको लिखना है। इस माई बेस्ट फ्रेंड, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो उसका नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये पेज आपको फिलअप करना है, उसके बाद ये पूरा का पूरा सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी CW कॉप में लिखनी है। चैप्टर फर्स्ट, अबाउट मी, और सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आप अपने मम्मा की, पापा की, या अपने बड़े भैया दीदी की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर सेकेंड, अवर बॉडी इज़ वंडरफुल। ये भी मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया है ना। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो पहचान लेंगे कि मैंने पढ़ाया है कि हेयर, आइज, नोज, चीक, चेस्ट, ईयर, शोल्डर, आर्म्स, एल्बो, फिंगर्स, ये हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं, हमारा माउथ, हमारी चीन, है ना, ये हमारा शोल्डर है, ये हमारी आईज है, ये हमारे हेयर है, ये हमारा फोरहेड है, ये नोज है, ये हमारे लिप्स है, ये फिंगर है, ये हैंड है, ये आर्म्स है, ये स्टमक है ना, और ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा एल्बो है, इसके अलावा ये हमारा नी मतलब घुटने हैं, और ये हमारे लेग्स हैं, और पैर के अंगूठे को हम कहते हैं टो। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि हम पैरों की हेल्प से किक, मतलब किसी भी चीज़ को लात मार सकते हैं ना, फुटबॉल को लात मारते हैं या हम किक करते हैं, वॉक, हम चलते हैं पैरों की वजह से, जंप, हमारे पैर हैं जो लेग है तो ही हम जंप कर पाते हैं, हम रन भी कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे लेग है। स्किप मतलब हम रस्सी कूदना, जिसे हम कूदते हैं ना, वो भी हम कर पाते हैं। अब कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, 1 is done for you। बच्चों आपको अपनी बुक में ये फिलअप करना है, जो मैंने लिखा है ना, ये आपको अपनी बुक में फिलअप करना है। इसमें आप अपने बड़े भैया दीदी या मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो। आई यूज़ माई लेग्स एंड फीट टू। अब देखो आपने पैरों को यूज़ करते हो कैसे, स्टैंड, आप खड़े हो तो अपने पैरों की हेल्प से, वॉक, चलते हो तो भी अपने पैरों की हेल्प से, जंप, कूदते हो तो भी अपने पैरों की हेल्प से, रन, भागते हो तो भी, स्किप मतलब कि रस्सी कूदते हो या कुछ भी, रोप स्किपिंग या कुछ भी करते हो, किक किस चीज़ को लात मारते हो, किक करते हो तो भी आप अपने पैरों की हेल्प से करते हो। तो बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपको इस वीडियो से अपनी बुक में लिखना है। क्या करना है, अपनी बुक में इस वीडियो से ये वाली चीज़ लिखनी है। ये चैप्टर सेकेंड में है ना, अगर आपको नहीं मिले तो आप देखना, चैप्टर सेकेंड में है ये। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हम हमारे आर्म्स, हैंड्स और फिंगर की हेल्प से क्या करते हैं, लिख पाते हैं, चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं, थ्रो करते हैं मतलब फेंक सकते हैं। अब बच्चों ये भी चैप्टर सेकेंड में ही है, ये चीज़ भी आपको अपनी बुक में फिलअप करना है। आई यूज़ माई
हैंड्स टू, अब देखो मैं अपने हाथों का यूज़ कैसे करता हूँ। ईट, खाना खाते हैं तो हम कैसे खाते हैं, क्या खाना ऑटोमेटिक उड़ के हमारे मुंह में चला जाता है? नहीं, हम उसे अपने हाथों से उठाते हैं और हमारे मुंह तक ले जाते हैं। राइट, हम लिखते कैसे हैं, ऑटोमेटिक लिख लेते हैं? नहीं, हम पेन या पेंसिल जो भी है वो हमारे हाथों में पकड़ते हैं। होल्ड, कोई भी चीज़ हमारे हाथों से पकड़ते हैं। लिफ्ट, कोई भी चीज़ हम ऊपर उठाते हैं। कैरी, कुछ भी चीज़ हम उठाते हैं, लाते ले जाते हैं तो हमारे हाथों से ले जाते हैं। पेंट, हम पेंट करते हैं, ड्राइंग करते हैं हमारे हाथों से। अब बच्चों ये चीज़ भी आपको अपनी बुक में फिलअप करना है, ये बुक वर्क भी करना है। इसके बाद आपको बुक वर्क करना है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब बताइए आपकी बॉडी का पार्ट क्या नहीं है। हैंड तो है, लेग भी है, पेंसिल नहीं है, है ना? तो आपको इसमें टिक लगाना है कि कौन सा, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी। पेंसिल, पेंसिल हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। इफ़ योर हैंड आर टाइट बिहाइंड यू विल नॉट बी एबल। अब देखो आपके हाथों को टाइट बांध दिया जाए तो क्या आप आर यू एन रन, रन नहीं कर पाओगे? हम तो भाग पाएंगे, हमारे हाथों को बांधना है, पैरों को थोड़ी। एस पी ई एक स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। क्या हम बोल नहीं पाएंगे, हमारे हाथों को बांध दिया तो? गलत, हम तो हमारे मुँह से बोलते हैं। होल्ड बुक्स, क्या हम एच ओ एल डी होल्ड बी डबल ओ केस बुक्स, हम बुक को नहीं पकड़ पाएंगे क्या हमारे हाथों को बांध दिया तो? यस, है ना, क्योंकि हमारे हाथ बांध दिए तो हम बुक कैसे पकड़ पाएंगे। तो इसका आएगा ये वाला होल्ड बुक, ये वाला आएगा सी वाला आंसर, ठीक है, इस पर टिक करना। इस पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा है ये होल्ड बुक। इफ़ योर लेग आर टाइड टू अ चेयर यू विल नॉट बी एबल। अब बच्चों आपके पैरों को कुर्सी से बांध दिया जाए तो आप क्या नहीं कर पाओगे? एस पी ई ए के स्पीक, क्या बोल नहीं पाओगे कि पैरों को बांध दिया तो? हम तो बोल पाएंगे, हम तो हमारे मुँह से बोलते हैं, है ना, हमारे पैरों से थोड़ी ना बोलते हैं। ईट ई ए टी ईट, क्या हम खा नहीं पाएंगे हमारे पैरों को बांध दिया तो? नहीं, हम तो हमारे मुँह से खाते हैं, हम तो खा पाएंगे। वॉक डब्ल्यू ए एल के वॉक, क्या हम चल नहीं पाएंगे हमारे पैरों को बांध दिया? यस, वॉक पे टिक करेंगे। वी हैव नोज, अच्छा बच्चों हमारे कितनी नोज है? वन, तो हम वन पे टिक करेंगे। वन ऑफ द चाइल्ड इन योर क्लास कैन नॉट सी, वॉट यू विल डू। अगर आपकी क्लास का बच्चा देख नहीं सकता तो आप क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, है ना? तो बच्चों ये बुक वर्क आपको इस पिक्चर से, इस वीडियो से, ऐसा के साथ अपनी बुक में कंप्लीट करना है। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। वी हैव फिंगर्स इन ईच हैंड। अब बच्चों हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स है, कितनी है? 10, 5 इस हैंड में और 5 उस हैंड में। वी वॉक विद अवर, बच्चों हम वॉक मतलब होता है चलना, हम कैसे चल पाते हैं? हमारे लेग से, पैरों से। वी हैव टोस इन ऑल, बच्चे हमारे अंगूठे कितने हैं? एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, एक उस पैर में और एक उस पैर में, मतलब दो हमारे हाथों में, दो हमारे पैरों में, मतलब कितने? 4, 2 और 2 4, 4 है। वी कैरी आवर स्कूल बैग ऑन आवर शोल्डर, बच्चों हम स्कूल जाते हैं तो हमारा बैग कहाँ पर ले जाते हैं? टांग कर हमारे शोल्डर पर। वी हैव आईज, हमारे कितनी आँखें हैं? 2, है ना? तो ये सब क्या है? आंसर। और ये आंसर आपको आपकी बुक में फिलअप करना है इस वीडियो से। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू सी, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू सी यूज टू थ्रो अ बॉल। अब देखो आप बॉल को फेंकोगे तो अपने बॉडी कौन सा पार्ट यूज करोगे? आपके हैंड्स, है ना, आपके आर्म्स। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज टू ड्रा, आपको कोई ड्राइंग करना है या कुछ भी चीज को बनाना है तो आप किसका यूज करोगे? अपने हैंड का, अपने फिंगर का, अपने आर्म्स का। ये आप चैप्टर सेकेंड, थर्ड, आवर सेंस ऑर्गन्स। बच्चों मैंने आपको चैप्टर थर्ड भी पढ़ाया है ऑनलाइन क्लास में कि हमारे सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं? हमारी आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, ये मैंने आपको बताया है। आपको ये बताया कि आईज से हम देख पाते हैं, नोज से हम स्मेल कर पाते हैं, टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं, ईयर से हम कोई भी चीज़ को सुन पाते हैं और स्किन की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को फील कर पाते हैं। विच सेंस ऑर्गन टेल्स अस दैट द टेलीफोन इज रिंगिंग। अब बच्चों बताओ फ़ोन बज रहा है तो हम कैसे पता चलेगा? ईयर से, स्किन से या टंग से? सुनेंगे हम ईयर से। विच सेंस ऑर्गन टेल्स अस दैट द डेस्क इज ब्राउन, किसे पता चलेगा कि बेंच का कलर ब्राउन है? हम कैसे देखेंगे? हमारी आईज से,
विच सेंस ऑर्गन टेल्स अस दैट द रोज हैज अ नाइस स्मेल। अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा जो फूल है गुलाब का की खुशबू बहुत अच्छी है? हमारी नोज से। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव? बच्चों हमारे कितने सेंस ऑर्गन है? 5, है ना, मैंने आपको बताया ना 5 सेंस ऑर्गन से हमारे, ठीक है। विच सेंस ऑर्गन डू यू यूज टू नो अबाउट द फॉलोइंग फीचर्स योर बर्थडे केक? अब देखो आपके बर्थडे पे कोई केक लाए हैं तो उसका जो ब्यूटीफुल शेप, उस केक का शेप है ना, वो बहुत सुंदर है, तो आप कैसे पता चल रहा है उसका शेप सुंदर है? आपने देखा? हाँ, कैसे देखा? आपने आई से। नाइस स्मेल, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आपने स्मेल किया कैसे? अपनी नोज से। स्वीट टेस्ट, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। कैसे टेस्ट किया? अपनी टंग से। सॉफ्टनेस, एकदम सॉफ्ट केक है। कैसे टच किया? अपनी स्किन से। बच्चों ये चैप्टर सेकेंड का बुक वर्क आप थोड़ी चैप्टर थर्ड का बुक वर्क आपको अपनी बुक में करना है। कैसे करना है? इस वीडियो में आपको दिख रहा है ना, ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ऐसे आपको टिक लगाना है, और ये जो लिखा है ऐसा कैसा आपको अपनी बुक में लिखना है। ये जो जोड़ी है बेटा, मेज द कॉलम, ये भी आपको करना है। ईयर की हेल्प से हम क्या करते हैं? हियर मतलब सुनते हैं। नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। और आई से हम सी मतलब देखते हैं। वॉच टेलीविजन, बच्चों हम टीवी किससे देखते हैं? हमारी आई से। स्मेल अ रोज, हम गुलाब की खुशबू कैसे लगते हैं? हमारी नोज से। नो दैट द केटल इज हॉट, हमें कैसे पता चलता है कि गर्म है? हमारी स्किन से। लिसन टू म्यूजिक, हम कोई गाना वगैरह म्यूजिक कैसे सुनते हैं? हमारे ईयर से। नो द टेस्ट ऑफ एन एप्पल, हमें कैसे पता है कि एप्पल का टेस्ट कैसा है? हमारी टंग से, है ना, हमारी जीभ से हम टेस्ट करते हैं। अब बच्चों आपको ये बुक वर्क कंप्लीट करना है। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट से बताया आज, है ना, जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा ये वाला मैंने आपको बताया है। ये आपको बुक में पूरा फिलअप करना है, फिर आपको CW कॉपी में चैप्टर फर्स्ट डालना है, और सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है माय नेम से लेके 10 पॉइंट पूरे मैं आपके चेक करूँगी। फिर चैप्टर सेकेंड में आपको बुक में ही लिखना है, ठीक है। ये बुक वर्क है ना, ये सारा लिखना है। ये कौन सा वाला लिखना है? ये वाला, वॉक जंप रन, ये वाला। उसके बाद बच्चों चैप्टर सेकेंड में ही है, आपको बुक में लिखना है ये राइट लेफ्ट और ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये वाला बुक वर्क भी आपको अपनी बुक में ही करना है। चैप्टर थर्ड में जो दे रखा है ना आपको, ये पूरा आपको अपनी बुक में करना है। इसके अलावा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको अपनी बुक में फिलअप करने हैं सारे। और इसके बाद ये वाले जो टिक द कर ऑप्शन है, ये भी आपको अपनी बुक में फिलअप करने हैं, जो मैंने आपको अभी बताए हैं। फिर चैप्टर थर्ड जो है, इसके अंदर भी आपको बताया है मैंने, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। मेज द कॉलम भी आपको कंप्लीट करना है, और ये वॉच टेलीविजन, स्मेल, अरोस, ये सारी चीज़ें आपको अपनी बुक में कंप्लीट करनी है इस वीडियो की हेल्प से। और चैप्टर फोर जो है वो तो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया है, और उसमें मैंने बुक वर्क भी करवा दिया है।